नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है वो सबसे हाई रिटर्न ग्रोथेबल कंपनी अभी देखने को मिला, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। क्योंकि जो कंपनी देखा जाए टोटली डेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, वो आज डेप्ट को बहुत कम किया है। क्योंकि इसका डेप्ट अराउंड 3-3.5% के ऊपर था, आज 2.5% के आसपास देखने को मिला। चलो मैं एक बार आपको डेप्ट के बारे में दिखा भी देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के पास कितना डेप्ट था। देखिए पहले कितना डेप्ट था, 5 साल में 2.4%, अभी कितना 2.77%। तो एक्चुअली डेप्ट जो है वो उससे भी ज्यादा था, धीरे धीरे करके कंपनी ने क्या क्या कम किया। तो कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से खुद के मार्केट शेयर को ग्रोथ कर रहा है, जैसे कमर्शियल व्हीकल कितना 36%, इलेक्ट्रिक बस कितना बना रहा है 42%, और मार्केट प्लेस मतलब मार्केट के शेयर है उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना है, 4 व्हीलर 68% मार्केट शेयर इसी के पास है, और लाइट कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसके ऊपर कितना 50% के आसपास है। मतलब 36, 42, 68, 49, मतलब कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो एक अलग लेवल का देखने को मिला, एक बेस्ट तरीके से कंपनी का मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी आप इस चीजों को नोटिस करना, एक चीज को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के देखिए बिजनेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। इंडिया में 32%, यूएस में 15%, और अदर्स में 15%, चाइना में कितना 13%, और कंपनी का रेस्ट ऑफ यूरोप में 12%, यूके में 9.58%। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उसमें जैगुआर और लैंड रोवर 69% कंट्रीब्यूट करते हैं खुद के बिजनेस के ऊपर। अभी देखिए कमर्शियल व्हीकल कितना सिर्फ 18% और बाकी पैसेंजर व्हीकल कितना 11%। शायद इसीलिए कंपनी एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसको अलग करेंगे और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको अलग करने वाला है। तो दोनों सेगमेंट को वो अलग करने का डिसीजन यहाँ पे ले रहा है। तो जब अलग हो जाएगा तो कंपनी इसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, मगर कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है देखिए, टाटा मोटर्स के जो पोस्टेड हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ मार्च क्वार्टर में देखने को मिला। देखिए पिछले क्वार्टर्स में थोड़ा सा सेल्स डाउन हो गया था, मगर यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से सेल्स हुआ। मैं एक बार और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, टाटा मोटर्स मार्च टोटल डोमेस्टिक सेल 90,822 करोड़। तो ओवरऑल जो टोटल टाटा मोटर्स का जो रजिस्टर्ड टोटल सेल्स है 2,65,090 करोड़ नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे यूनिट के बात किया जा रहा है, यहाँ पे भी करोड़ नहीं, 90,822 यूनिट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सेल्स हुआ इस बार डोमेस्टिकली तो वो अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले, और प्रीवियस ईयर में कितना था 89,300 करोड़, मतलब पिछले सालों को कंपनी बीट किया है, अच्छी बात है। टाटा मोटर्स के ऊपर रिमेन जो कस्टमर और जो डोमेस्टिक जो डिमांड था वो डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। ये भी बताया जा रहा है कि टोटल जो सेल्स रेज हुआ है करीबन 2,65,090 यूनिट मार्च मंथ में, और पिछले साल में कितना था 2,51,822 यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो कंपनीज का जो पैसेंजर व्हीकल का जो ग्रोथ है 14% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला, और जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें 10% ग्रोथ देखने को मिला। ये बेस्ट एक सिचुएशन है, एक बेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते टाटा मोटर्स के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। अभी देखिए आप कहेंगे सर तो रिजल्ट तो आ गया कंपनी का, तो 1 तारीख ही रिजल्ट आ जाता है सेल्स का, तो कंपनी में बुल रन क्यों नहीं दिखा। देखिए कंपनी इतने मार्केट जर्नी कर चुके हैं तो थोड़ा सा तो रुकेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो रॉकेट की तरह हमेशा भागते रहेंगे। तो पहले जो जर्नी हो चुका है, पहले मेरा एंटी कहाँ पे है, करीबन 600 रुपीज के आसपास एंटी है, और 600 से आज कहाँ पे गया 1,000 के आसपास, अराउंड 400 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट जम हो चुके हैं। तो 400 पॉइंट्स का जम होने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी मेरा जो टारगेट है वो टारगेट करीबन 1,140 रुपीज के आसपास है। हाँ, जब डी मार्स का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मैं इस कंपनी के क्वांटिटी बेच दूंगा, अभी मतलब पूरा का पूरा नहीं बेचूंगा, बहुत सारे क्वांटिटी में बेचूंगा। उसके पीछे रीजन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डी मार्स होने के बाद टाटा मोटर्स को निफ्टी 50 से बाहर किया जाएगा,
क्योंकि निफ्टी फिफ्टी से बाहर करने के बाद जितने सारे ईटीएफ फंड है वो सारे ईटीएफ फंड टाटा मोटर्स को बेचेंगे, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी जब होगा तब बता मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है हैप्पी माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। तो फाइनली इसका डेट आ चुके हैं, इसका डेट आ चुके हैं मतलब क्या है, कंपनी के रिजल्ट का डेट। तो क्वार्टर फोर बहुत लोगों का इंतजार रहते हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि यही रिजल्ट कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि मतलब करंट ईयर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया। तो टोटल जो अर्निंग है, टोटल जो अर्निंग कंपनी किया वो करीबन टोटल जो अर्निंग है वो आपको जानने को मौका मिलेगा 7th of May। तो 7th of May आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फाइनली यहाँ पे जो रेंज बना है वो कुछ इस तरीके से बना, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 22% के आसपास रेंज बना। तो 22% के रेंज के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक एंटी बना और इस लेवल में क्या बना, एक टारगेट। तो एक एंटी के बाद एक टारगेट हो चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से करेक्शन हुआ, वही रेंज तक आया जिस रेंज तक आना चाहिए था। और रेंज में आने के बाद यहाँ से क्या हुआ, एक ऊपर जाने का कोशिश तो किए मगर यहाँ पे बिग फॉल हो गया। फॉल होने के बाद मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी का क्या है, एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया लेने के बाद बाउंस बैक किए और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ही देखिए बाउंस बैक करा है, एक अच्छा खासा धमाका बाउंस बैक देखने को मिला। तो बाउंस बैक तो हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा उतना ऊपर जाने का चांसेस है क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक है। तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद, इस लेवल का मतलब है 835 लेवल को रिटेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा है नीचे आने का कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि कौन सा जगह पे सपोर्ट है, कौन सा जगह पे रेजिस्टेंस है। इस चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। तो देखिए यहाँ पे किस लिए मैंने इस लेवल को मार्किंग किया, क्योंकि देखिए जब लंबा जर्नी हुआ था तब यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रांगली सपोर्ट, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था उसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था फिर से उसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो इसी तरीके से नजरिया पहले देखने को मिला था, तो उसी तरीके से प्लेस को मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा। तो बाकी हैप्पी माइंड के ऊपर ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, कंपनी छोटा है मगर दम है, कंपनी सेल्स को हर साल मेंटेन करता है, हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहा है और एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ते चले गए और 42 करोड़ से 45 बना, उसके बाद 57 बना, उसके बाद 80 करोड़ बना, एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है और इसके ऊपर हमेशा मैं फोकस रखता हूँ, हमेशा मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके चलता हूँ, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से रिटर्न दिया वो हर किसी को चौंकाने वाला रिटर्न है। कितने बड़े कंपनी होने के बाद, करीबन 4.5 लाख करोड़ के कंपनी होने के बाद भी कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है वो आप देखेंगे तो 10 साल में 45% का रिटर्न, 5 साल में कितना 19%, 1 साल में कितना 26%, और 3 साल में थोड़ा सा कम हुआ, बाकी इसका सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। क्यों आप जानते हैं, कंपनी सबसे कम NPA को मेंटेन करता है, अगर सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मेंटेन करता है। तो इसका अगर NPA को देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि कंपनी के NPO पहले 1% तक चला गया था एक टाइम, कंपनी के NPO कम घट के कितना हो गया 0.37% के आसपास आ गया, मतलब एक अलग लेवल का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन सिचुएशन देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक टाइम लग सकता है अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने का। बाकी इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जर्नी होने का टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया। देखिए दो बार शोल्डर बना, एक हेड बना, फिर से शोल्डर बना और ब्रेक करने का कोशिश तो किया मगर वहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं किया, फॉल हो गया और वही लेवल से वो रीबैक कर रहा है जो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था। अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, देखिए एक शॉर्ट और शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर एक टेल लिया था, वो टेल किस बेसिस में लिया वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक 200 डेज EMA के नीचे जब जर्नी स्टार्ट किया तब मैंने सर्च किया कि RSI
30 के नीचे कब जाएगा? तो 30 के नीचे फाइनली इस रेंज में आया, इस रेंज में आया 30 के नीचे। अगर मैं माउस को यहाँ पे मार्किंग करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 30 के नीचे कब आया, एक्चुअली 30 के नीचे इस लेवल में आया, इस लेवल में 30 के नीचे आया और मैंने इस जगह पे क्या किया, एंटी किया, क्लोजिंग टाइम में एंटी किया और मेरा टारगेट था जब 70 के ऊपर जाएगा तब टारगेट लूंगा। तो फाइनली इस लेवल में 70 के ऊपर एग्जिट किया। तो 52 डेज में कंपनी कितना, 9.5% के आसपास रिटर्न दिया। देखिए जो हम लोग साल भर में 15% का रिटर्न के लिए ढूंढते हैं, तो सिर्फ कंपनी 52 डेज में इस तरीके से रिटर्न दिया 2 महीने के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब है आप इस सारे चीजों को सीख कर जब काम करेंगे, जब बैक टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से डेटा को, तो आपको खुद पता चलेगा कि सारे चीजों को सीख कर काम करने में कितना मजा है और किसी को टिप्स लेकर काम करने में कितना दिक्कत हो सकते है। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन हूँ कि मैं आपको कोई टिप्स दूँ। तो प्लीज काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।